इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी है कि इस साल जो मेंस का पेपर होने वाला है GS 3 में ये आपसे पूछा जा सके। सबसे पहले समझते हैं स्पेस सस्टेनेबिलिटी होती क्या। देखिए, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वही डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा कि आज का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो अफेक्टेड ना हो। तो बस आज का जो आपका आउटर स्पेस है उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर की जनरेशन जो है वो आउटर स्पेस के यूसेज को लेके खतरे में ना पड़ जाए और उसके यूज़ कर ही ना पाए, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पेस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है GS 3 में कि स्पेस सस्टेनेबिलिटी जो है, ठीक है, उसको डिफाइन कीजिए, इंडिया का इसमें क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इन कंपैरिजन विद UK का जो रीसेंट जो स्टेप था स्पेस सस्टेनेबिलिटी को लेके, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करते हुए बताइए कि स्पेस सस्टेनेबिलिटी होता क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो आपने डिफाइन किया, उसके बाद चैलेंजेस क्या है। देखिए, चैलेंजेस सबसे बड़ा क्या है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक मिशन जो होता है, ठीक है, उसके बहुत से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक आपने कोई मिशन चंद्रयान अगर हो गया तो मिशन चंद्रयान बस मिशन चंद्रयान ही है, बस एक कोई आपने सैटेलाइट लॉन्च किया एंड दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिशन के साथ मल्टीपल उसके सब ग्रुप्स जो है, सब पार्ट जो है वो जुड़े होते हैं। मतलब कि एक मिशन जो है अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लैंडर होता है, रावर होता है, सैटेलाइट होता है, बहुत सी दूसरी चीज़ें होती है, रॉकेट्स हैं, ठीक है, तो इंजन्स उसके, बहुत सी चीज़ें इसके साथ जुड़े होते हैं। मतलब कि स्पेस से रिलेटेड जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्लॉट अलॉटमेंट जो है उसका आपको इशू देखने को मिलेगा। इसको आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, ऑर्बिटिंग क्राउडिंग। अब जैसे देखिए, ये अर्थ है, तो चाहे आप पोलर रीजन में सैटेलाइट लॉन्च करोगे या फिर आप इक्वेटोरियल रीजन में सैटेलाइट लॉन्च करोगे, तो चाहे आप ऐसे ऐसे लॉन्च करो चाहे ऐसे ऐसे लॉन्च करो, वो स्पेस तो एक ही है ना जिस लाइन में आप मतलब कि लॉन्च करोगे सैटेलाइट्स को, तो जगह तो उतना ही है, ठीक है। तो अब कौन सा सैटेलाइट्स किस ऑर्बिट में होना चाहिए, दिन प्रतिदिन इनका नंबर बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्बिटिंग क्राउडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन जो है, मतलब कि बहुत सारे ढेरों सारे सैटेलाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके चलते होगा क्या, इसके चलते ये होगा कि कोलिजन का जो खतरा जो है वो हमेशा बना रहेगा। एक दूसरे के सैटेलाइट्स आपस में टकरा भी सकते हैं, और इसके चलते और कौन सी दिक्कत आपको देखने में मिलेगा, इंटरफेरेंस विद रेडियो फ्रिक्वेंसी। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि स्पेस डेब्रिस जो है, ठीक है, अंतरिक्ष में आपको कूड़ा देखने को मिलेगा। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए यूके का क्या प्लान है, यूके ने एक प्लान लॉन्च किया जिसको कि हम अभी जानते हैं एस्ट्रोकार्टा के नाम से। तो ये एस्ट्रोकार्टा क्या है, इसमें चार बातें बेसिकली इन्होंने कवर की है। चार बातें क्या हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम क्या करेंगे, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे कि वो कितना सस्टेनेबल है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिलकर काम करेंगे, ठीक है। सेफ्टी और क्वालिटी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। और स्टेट फंडिंग जो है उसमें भी एडिशन किया जाएगा, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। इन कंपैरिजन विद यूके अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इस फील्ड में क्या काम किया है, प्राइवेट प्लेयर का जो पार्टिसिपेशन उसको हमने बढ़ाया है। इसका एग्जाम्पल क्या, अग्निकुल है, स्काई रूट है। इंडिया का एक प्रोग्राम है नेत्र, जिसका काम क्या है कि स्पेस डेब्रिज जो है उसको मॉनिटर करें। इंडिया और US के बीच में ऐसा एक कोऑपरेशन चल रहा है जहाँ पे स्पेस डेब्रिज या फिर आप कह लीजिए कि स्पेस सस्टेनेबिलिटी पे मिलकर काम किया जाएगा। आपको पता ही है एंटी सैटेलाइट जो अपना प्रोग्राम था, उस ये जो मिशन था इसका क्या ऑब्जेक्ट था कि सैटेलाइट्स को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब काम के नहीं है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जो स्पेस डेब्रिस है वो उस कंटेक्स्ट में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर जो क्राउडिंग है कहीं ना कहीं उसको कम किया जा सकता है। लास्ट में ये है स्पेस डेक्स। स्पेस डेक्स इंडिया का स्पेडेक्स जो है, ये कैसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ऑलरेडी फंक्शनिंग सैटेलाइट्स हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको रिपेयर किया जा सके वहीं पे जाके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सैटेलाइट ही ख़राब हो गया, नहीं, वहाँ पे भी जाके उसको फिक्स किया जा सकता है। जैसे कि फ्यूलिंग की जा सकती है, फ्यूल कम हो गया तो फ्यूलिंग वहाँ पे करी जा सकती है। तो इस तरीके का भी एक जो सिस्टम है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया। तो आप देख सकते हो कि इंडिया काफ़ी आगे है इन कंपैरिजन विद यूके। ये इतने सारे जो स्टेप हैं इंडिया ने लिए हुए हैं।
तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, और रीयूज स्पेस ऑब्जेक्ट जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे आपको पता ही, एक मिसाइल आपने लॉन्च किया, ठीक है, मिसाइल पे रखा आपने सैटेलाइट, जैसे ही सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे गया, मिसाइल का काम खत्म और ये खत्म, इसको रीयूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेके आना चाहिए जिसका कि एक पर्पस ख़त्म हो जाए तो उसकी लाइफ ना ख़त्म हो जाए, उसको रीयूज़ किया जा सके। ठीक है, तो इतना ही है इस टॉपिक में, और बहुत कुछ है लिखने के लिए। ट्रस्ट में अगर इतना भी आप लिख देते हो, अगर क्वेश्चन आता है, तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा नंबर मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।